राखी चल ये छतरी बंद कर, अगर तेरे पापा ने देख लिया कि तू मुझे छतरी ओढ़ा रही है तो मुझे डांट पड़ेगी। क्यों डांटेंगे मेरे पापा? नहीं डांटेंगे, तू तो अपना काम कर रही है ना, और मैं अपना काम कर रही हूँ, अपने दोस्त को छतरी ओढ़ा दे रही हूँ, तुझे धूप लगेगी ना। तू भी ना पागल है। हाँ वो तो मैं हूँ, चल अपना काम कर, फिर पापा डांटेंगे तुझे। अच्छे से करना। मिमिता रिया चलो, आज मैं तुम दोनों को मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाऊंगी। वो रही मेरी दोस्त सिमी। चलो राखी तेरे साथ ये दोनों कौन है? ये दोनों मेरे कॉलेज फ्रेंड है, इसका नाम है मिमी और इनका नाम है रिया। राखी सच में ये तेरी दोस्त है? हाँ इसका नाम सिमी है। राखी सच में ये तेरी दोस्त है? हाँ। तुझे इस लड़की से दोस्ती करना सूट नहीं करता। क्यों? सिमी गरीब है इसीलिए। सिमी बहुत अच्छी लड़की है और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। देख राखी हम ये नहीं बोल रहे कि ये लड़की बुरी है, हम तो ये बोल रहे कि तुझे इस लड़की से दोस्ती करना सूट नहीं करता, और वैसे भी हमें इस लड़की से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिया चल। सिमी बुरा मत मानना इनकी बातों का, ये लोग बात नहीं करेंगे तो क्या हुआ, मैं तो बात करूंगी ना, और तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। रो मत सिमी, रो मत पागल। जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे, क्यों परेशान है। अरे राहुल अंबिका। राखी सुना है तेरी एक गरीब दोस्त है जो पार्क में झाड़ू लगाती है। हाँ तो? सच में यार एक गरीब को तूने दोस्त बनाया, मानना पड़ेगा। क्यों राहुल ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तू बहुत अमीर है और एक झाड़ू वाले का दोस्त बनाए, मानना पड़ेगा। क्यों अंबिका गरीब है तो क्या हुआ? अरे तुझे पता नहीं गरीब लोग कितने गंदे होते हैं, नहाते भी नहीं। छी राखी कहीं तू उसका झूठा तो नहीं खाती? खाना मत यार, वो लोग बहुत गंदे होते हैं। छी राखी दोस्ती तो कर लिया, प्लीज यार उसका झूठा मत खाना, पता नहीं ब्याज भी करता है या नहीं। नहीं नहीं मैं उसका झूठा नहीं खाती, सच में नहीं खाती। अच्छा युवा तू उसका झूठा नहीं खाया, अगर खाया होता तो अगर कॉलेज में पता चल जाता तो सबको, तो तेरा झूठा कोई नहीं खाता, ठीक ना अंबिका? मैंने कहा ना मैं उसका झूठा नहीं खाती। ठीक है अंबिका राहुल अब मैं चलती हूँ। हमने तो हमारा काम कर दिया, तो चल अब मिमिता से मिलते हैं। पता नहीं इस राहुल ने अपना काम ठीक से किया है या नहीं। देखो दोनों आगे। राहुल मैंने जो बोला था वो हो गया क्या? तूने जैसे बोला राखी को मैंने वैसे ही कहा। वाओ ये हुई ना बात। तू टेंशन मत कर मैंने आग लगा दी है, अब ज्यादा दिन उन दोनों की दोस्ती नहीं रहेगी। ठीक है रिया ये रहा तेरा इनाम, और हाँ ये बात भूल जा कि मैंने तुझे कुछ करने को बोला था। हाँ चल अंबिका। रिया अब तो आग लगी चुकी है, क्यों हम घी डाल दें? चल अब टाइम आ चुका है राखी को अपना बेसन बनाने का। चल नाराज है क्या? नहीं तो मैं नाराज नहीं हूँ। राखी हमने तुझे बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहते, तुम क्या हमारी बेस्ट फ्रेंड बनोगी? मैं राहुल ना ठीक ही कह रहा था, ये गरीब लोग बहुत गंदे होते हैं, और सिमी तो कितनी गरीब है और कितनी गंदी है, अब मुझे सिमी से दोस्ती तोड़नी होगी और रिया और मिमिता को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना होगा। हाँ राखी क्या सोच रही है? नहीं नहीं हाँ आज से हम फ्रेंड्स, आज से हम बेस्ट फ्रेंड्स।
बेस्ट फ्रेंड्स। तो चल ना राखी, तेरे पार्क में घूमने जाते हैं। क्या आज? हाँ आज। नहीं नहीं मिमी, आज नहीं, कल जाएंगे। हाँ कल पक्का। ठीक है। मिमिता और रिया आते ही होंगे, उन्हें मैं बता देती हूँ कि मैं पार्क के अंदर जो रेस्टोरेंट है वहाँ बैठी हूँ। हेलो मिमिता, सुन ना, मैं पार्क के अंदर जो रेस्टोरेंट है ना, हाँ वहीं बैठी हूँ, आ जाना। आज मुझे सिमी से बात नहीं करनी, अगर सिमी ने मुझे देख लिया तो उन लोगों के साथ में फिर मिमिता सबको बता देगी कॉलेज में कि मेरी दोस्त एक गरीब है। बहुत भूख लगी है, जाके खा लेती हूँ। राखी, राखी यहाँ पर है, पता या नहीं कि वो आने वाली है? राखी वो आने वाली है, मुझे बताया ही नहीं। वो मैं अचानक से आ गई ना, इसीलिए। चल अच्छा ही हुआ, मुझे बहुत भूख लगी, चल खाना खाते हैं। नहीं नहीं तू खा, मैं खा के आई हूँ। अरे मैं अपने हाथों से खिलाने वाली हूँ, चल खा ले। छी, इस सिमी ने क्या हाथ धोए? सोच रही है, मैंने बनाया है अपने हाथों से, चल खा। सिमी सुन ना, मैं ना खाना खा के आई हूँ, तू खा ले ना, तू खा ले। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत ठीक है। तबीयत ठीक है तो चल ले खा, आकर। नहीं मुझे नहीं, चल खा। सिमी मुझे नहीं खाना। राखी को क्या हो गया है, क्यों कर रही है ऐसा? जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे। लगता है राहुल की बातों का असर राखी पर हो गया, इसलिए तो राखी ने उस दिन हम दोनों का बेस्ट फ्रेंड बनाया। चल इस सिमी के साथ अब मैं कैसे दोस्ती तोड़ूं? जब से उस राहुल की बातें सुनी है ना, मुझे तो सिमी से बात करने का मन भी नहीं कर रहा है। क्या करूं, कैसे पीछा छुड़ाऊं? राखी तू यहाँ बैठी है, हम कब से तेरे रेस्टोरेंट में वेट कर रहे हैं। अरे मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। मिमिता आ जा ना, बैठना। हाँ आ जाओ। क्या हो राखी, तू इतनी अपसेट क्यों है, कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ है। राखी मिमिता चलना, हम उधर चलते। क्यों? चलना चलना, आना। राखी राखी, ये सुन क्यों नहीं रही है? राखी 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 राखी, तुझे तेरी दोस्त बुला रही है। राखी सुन ना, राखी क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है तेरी? राखी तुझे कब से बुला रही हूँ, तू सुन क्यों नहीं रही है? मुझे सुनाई दे रहा है, तुझे समझ नहीं आ रहा है मैं अनसुना कर रही हूँ तेरी बातों को? पर तू मेरी बातों का अनसुना क्यों कर रही है? बोल ना राखी, तू सुनना चाहती है ना, तो सुन। देख सिमी, मुझे अब समझ आ गया है कि मुझे किसके साथ दोस्ती रखनी चाहिए और किसके साथ नहीं। ये तो क्या बोल रही है राखी, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? देख देख सिमी, आपसे मुझे तुझसे कोई दोस्ती नहीं रखनी, प्लीज मेरा पीछा छोड़। और हाँ, आइंदा मुझसे बात मत करना, मैं जा रही हूँ। तुझे पता है क्या, राखी ने हम दोनों को बेस्ट फ्रेंड बनाया, तो तू जब में। क्या? हाँ। और तुझे पता है ये सब किसने किया है? हमने। तुमने क्या किया? हमने क्या किया? अगर तूने राखी को बता दी तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, मैं तेरे लिए राखी के मन में जो गंदगी भर दी है ना, तो चाहे कर भी उसे साफ कभी भी नहीं कर सकती। मुझे सिमी के साथ ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी, अच्छे से भी तो बोल सकती थी ना। जाके अच्छे से बोल देती हूँ कि अब से हमारी दोस्ती नहीं है। सॉरी झाड़ू वाली, अब राखी तेरी नहीं, हम दोनों की बेस्ट फ्रेंड है, तू जा।
जा और झाड़ू मार, ठीक है? अब हम राखी के पैसे से ऐश करेंगे, ठीक है? मतलब कि ये लोग राखी से दोस्ती नहीं, उसके पैसों से दोस्ती कर रहे हैं। मतलब ये मिमी का प्लान था सिमी के लिए मेरे दिमाग में इतनी गंदगी भरने का। सिमी, तुझे तो मैं अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। चल। राखी, तू वहाँ से क्यों चली है? अरे वो सिमी है ना, उसे देखे मेरा मूड ही ऑफ हो गया। मुझे अब उससे कोई दोस्ती नहीं रखनी। ये सब छोड़ो, बोलो तुम दोनों क्या खाओगे? एक मोमो, एक चिकन चाउमीन, एक फ्राइड राइस और एक कोल्ड ड्रिंक और लास्ट में एक कॉनी। और तू? मैं भी सेम। ठीक है, मैं अभी अंदर जाके बोल के आती हूँ। तुम लोग बैठो। देखा, राखी को अपना बेस्टफ्रेंड बनाने का फायदा क्या होता है? अब तो हम राखी का पैसे से सिर्फ ऐश करेंगे, ऐश। निमिता सुनना, मैंने सारा कुछ ऑर्डर कर दिया है, 5 मिनट में आता ही होगा। सुनना, मुझे अभी निकलना होगा, घर से फोन आया है, अर्जेंट है। हम लोग कल कॉलेज में मिलते हैं। बाय बाय। ये तो चली गई, अब बिल पे कौन करेगा? रिया जा, जाके जल्दी ऑर्डर कैंसिल करके जा। जा ऑर्डर कैंसिल हो गया। हाँ हो गया। इस बार तो राखी बच गई, अगली बार नहीं बचेगी। अपने रूठ पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह बारिया, मैं तो हारिया। तू यहाँ पर क्या कर रही है? मेरी दोस्त को धूप लग रही थी, इसीलिए छांव देने आई हूँ। कौन दोस्त? कैसी दोस्त? और कहाँ पर है तेरी दोस्त? कौन दोस्त? मैं अभी बताती हूँ, तू चल मेरे साथ। हाथ छोड़ मेरा। तू चल मेरे साथ, चल यहाँ बैठ जा। सिमी। क्या सिमी, जल्दी बोल, काम है मेरा। सिमी तुम उससे नाराज है? तुझसे नाराज क्यों रहूंगी? कौन है तू, लगती क्या है मेरी? मुझे पता है तू मुझसे नाराज है, और तेरा नाराज होना जायज भी है, क्योंकि मैंने तेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी। पर सिमी मैं ना भटक गई थी सच में, और ना मुझे वो मिमिता और रिया है ना, उसने भड़काया है। लोगों ने तुझे आके भड़काया और तू भड़क भी गई। क्या कहा? यही कहा ना कि हम गरीब लोग गंदे होते हैं। सही कहा, हम गरीब लोग गंदे होते हैं। तुम्हारी तरह घर पे बैठ के एसी का हवा नहीं खाते, मेहनत का काम करते हैं। इस कड़ी धूप में मेहनत करनी पड़ती है हमें। सिमी मुझे माफ कर देना दोस्त। क्या माफ करूँ राखी, तुमने भी तो दिखाई दिया ना कि एक गरीब लड़की और अमीर लड़की का दोस्त नहीं बन सकता। खैर छोड़, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है राखी। सिमी मुझे माफ कर देना दोस्त, मैं लोगों की बातों पे आ गई। और रो क्यों रही है? हाथ छोड़ मेरा। आज भी नहीं रहा, मुझे पता है मेरे पास टाइम भी नहीं था। तू नहीं नहाई तो क्या हुआ? फिर भी तू मेरी दोस्त है, तू इतनी मेहनत की जो काम करती है ना, और मुझे तू पे गर्व है। रो मत सिमी, तू चल मेरे साथ। तू चल। राखी सिमी ये दोनों एक साथ। मिमिता इससे मिल, ये है सिमी मेरी बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड? पर तेरी बेस्ट फ्रेंड तो हम दोनों थे ना, तूने तो इससे दोस्ती तोड़ दी थी। हाँ मैंने सिमी से दोस्ती तोड़ दी थी, वो भी तेरी बातों पे आके। और मैंने उस दिन ना तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। राखी तूने उस दिन सब सुन लिया था? हाँ मैंने सब सुन लिया था। बड़े चिकन चाउमीन खाने, एग रोल खाने, मेरे पैसों पे ऐश करना चाहते थे ना तुम दोनों। मैंने ना जानबूझ के वो बिल पे नहीं किया था, क्योंकि मुझे सारी सच्चाई पता थी। तुम दोनों को पता है सिमी 18 साल की है,
और वो मेहनत करके अपना घर चलाती है। तुम लोगों की तरह दोस्ती का यूज नहीं करना आता इसे। पर हाँ, गलती मेरी है कि मैं तुम दोनों की बातों पे आ गई। जब हमारे घर के सामने कोई कचरा फेंक के भी जाता है ना, तब हम उनसे लड़ने लग जाते हैं। और तुमने मेरे दोस्त के खिलाफ मेरे मन में इतनी गंदगी भरी और मैं चुपचाप तुम लोगों की बातें सुनती रही। पर आज मुझे पता चल गया है कि गंदी सिमी नहीं, गंदी तुम दोनों की सोच है। रूठे तो खुदा भी रूठे। हाँ, मैं भले गंदी दिखती हूँ पर अपनी मेहनत का रोटी खाती हूँ। तुम दोनों की तरह छोटी दोस्ती का दिखावा नहीं करती। और हाँ मिमिता, हम गंदे दिखते हैं पर गंदे है नहीं। तुम्हारी तरह रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं। सिमी, I'm really sorry। हमने ये सब राखी से दोस्ती करने के लिए की थी। हाँ, तुमने ये सब मुझसे दोस्ती करने के लिए की, पर वो भी झूठी दोस्ती। चल सिमी,